हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो मेरा नाम है शबाब काजमी और आप देख रहे हैं काजमी गेमिंग चैनल सो गाइस आज किस वीडियो में मैं लेके हूँ आप सबके लिए बी एमडब्ल्यू एम जी टी ई कार मोड काफी ओपी वाला मोड हमें देखने को मिलता है आप देख सकते हो काफी बढ़िया बढ़िया इसको कलर वगैरह और स्टिकर वगैरह के साथ ये मोड आता है काफी ओपी वाला मोड है तो so गाइस आज की इस वीडियो में हम इस कार मोड का फुल रिव्यू करने वाले और साथ साथ आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने इस मोड को डाउनलोड कहाँ से करना है बस आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर देना क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मोड आपके लिए चैनल पर लाता रहता हूँ और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरा यूजर है काजमी दो से कहते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो चलिए चलिएगा आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो गैस सबसे पहले देख लेते हैं स्कार मोड के एनिमेशन की जो कि फर्स्ट वाले पर क्लिक करने से आप देख सकते हो इसकी जो राइट साइड से विंडो है गैस ये यहाँ से ओपन हो चुकी है तो आप चलते हैं सेकंड एनिमेशन की की तरफ इस पर क्लिक करने से इसका बॉनिड ओपन हो चुका तो है तो अब चलते हैं थर्ड एनिमेशन की, की तरफ इस पर क्लिक करने से इसकी डिक्की ओपन हो जाती है कुछ इस प्रकार से तो विंडो वाले आइकन पर क्लिक करने से गैस इसकी लेफ्ट साइड से एक विंडो ओपन हो जाती है इसको दो ही विंडो हमें देखने को मिलती है आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रही है हमारी कार तो गैज इन सभी चीज़ों को क्लोज करते हुए सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीरियर बता देता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है काफ़ी ओपी वाला इसका इंटीरियर है और गैस आप इसका स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो यार बिल्कुल ही मतलब अलग शेप का बनाया है जैसे आ, मतलब गैस जैसे सिंपल स्टेयरिंग होता है वैसे तो बिल्कुल ही नहीं है अलग से शेप का हुआ है आप देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टेरिंग व्हील है स्टेयरिंग व्हील के बीच में ही आपको बी का लोगो देखने को मिल जाएगा और इसके स्पीडोमीटर यहाँ पे नहीं दिखाई गए हैं स्पीडोमीटर की जगह कुछ नंबर वगैरह लिखे गए हैं और ये यहाँ पर वर्क नहीं करते बट साइड में जो मैप है अगैस ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और इस साइड घुमाने पर आपको यहाँ पे मतलब बीच में ही कुछ डंडे वगैरह लगाए हुए देखने को मिल जाते हैं ये कुछ अलग ही फ्रेम बनाते हैं हमारे इस इंटीरियर का काफ़ी ओपी वाला हमें इंटीरियर देखने को मिलता है तो गैज़ आप देख लेते हैं बाहर से बाहर से आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया हमारी कार है यार इसका मुझे सबसे ज़्यादा गैज इसके कलर और स्टिकर वगैरह सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया लुक दे देते हैं ये चीज़ हमारी इस कार को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कार है स्पोर्ट्स रेसर कार है यार सच बोलूँ गैज तो आज की इस वीडियो में हम इसका टेस्ट करेंगे इसकी स्पीड वगैरह कैसी है साथ में इसका कंट्रोलर वगैरह साउंड इसकी कैसी रहती है क्योंकि स्पोर्ट्स कार की जो साउंड होती है गैज वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साउंड होती है तो ये सभी चीज़ें चेक करने वाले हैं तो सबसे पहले ये ब्रेक में हटा देता हूँ यहाँ से तो निकलते हैं आगे तो गैज़ ये वाला कैमरा एंगल मैंने निकाल लिया क्योंकि ये वाला कैमरा एंगल स्पीड टेस्ट कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है तो गैज़ आप स्पीड देख सकते हो यार इसकी और स्पीड के साथ साथ आपको मैं इसका साउंड भी सुना देता हूँ गाय साउंड कैसा यार मुझे कमेंट करके बताना क्योंकि इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कानों के पर्दे जो है ख़त्म हो चुके हैं मेरे भाई मैं सच बोलूँ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साउंड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए साउंड आपको कैसा लगा है तो आप देख सकते हो चलते समय समय हमारी कार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो ये वाला कैमरा एंगल हम निकाल लेते हैं गाइस इससे मतलब फ्रंट में कुछ उतना ज़्यादा दिखता नहीं है क्योंकि आगे की तरफ ये वाइपर वगैरह भी हैं और साथ साथ इसका डैशबोर्ड भी मतलब ठीक ही है बट कैमरा एंगल जो इसका दिखाया गया ये वाला गैस थोड़ा मतलब पीछे से दिखाया गया है इसलिए फ्रंट से इतना कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है तो बाकी एकदम से बढ़िया कार है यार इसके आप व्हील का वगैरह देख सकते हो सब कुछ बढ़िया है तो आप चेक कर लेते हैं इसके कंट्रोलर स्पीड तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है बट कंट्रोलर चेक कर लेते हैं इसके क्या बात है गैस यार अपने कंट्रोलर देखें गैस कितने ज़्यादा अच्छे हैं मतलब ये चीज़ होनी चाहिए यार हर कार में ये चीज़ होनी चाहिए हर कार की मैं बात नहीं करूँगा जो भी मोड हो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि, कि कंट्रोलर उसके अच्छे होने चाहिए क्योंकि कार कोई भी मतलब जब स्पीड में चलती है तो उस समय कंट्रोलर अगर काम नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर कुछ मज़ा नहीं आता गेम को खेलने में तो इसलिए कंट्रोलर जो है वर्क करने चाहिए तो ये इसके कंट्रोलर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं आप देख सकते हो तो इसके जो गैज़ टायर है मतलब कुछ बबलिंग वगैरह कर रहे हैं आप देख सकते हो बट फिर भी अच्छे ही हैं यार सो so गैस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस मोड को डाउनलोड कहाँ से करना है तो गैस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस मोड के क्रिएटर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है और उस मोड उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने चले जाना है वहां पे जाने के बाद आपको वहां पर इस मोड का लिंक मिल जाएगा मीडिया फायर का यह मोड आपने सिंपली वहाँ से इसे डाउनलोड करना है कोई भी पासवर्ड लगाना ही नहीं है क्योंकि मीडिया फायर के मोड को आपको तो पता ही है पासवर्ड नहीं लगता इसलिए कोई भी पासवर्ड नहीं लगाना और सिंपली गेम के अंदर इंस्टॉल करना है फिर मजे से खेलना है तो गैस जब आप इस मोड को डाउनलोड करोगे तो उस समय इस मोड साथ साथ आपको इसके जो स्टिकर वगैरह कलर वगैरह ये सब कुछ साथ में मिल जाता है तो जब आप इस मोड को इंस्टॉल करोगे तो उस समय ये स्टिकर वगैरह आपको अलग से लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है ये साथ ही आते हैं इस मोड़ के काफी ज्यादा बढ़िया स्टिकर हैं गैस आप देख सकते हो मतलब बहुत ही ज्यादा एक डेंजरस सी लुक दे देते दे हैं हमारी कार को तो अब यहाँ से इस साइड में हम चलते हैं तो यहाँ पे गैस हमने साइड में अपनी कार को लगा दिया है कुछ इस प्रकार से तो फ्रंट से तो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया बट अब भी दिखा देता हूँ फ्रंट पे आपको बी का लोगो देखने को मिल जाएगा फ्रंट से भी हमारी कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गैस काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं सो गाइज़ आज की इस वीडियो को पे पेंट करते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद ही होगी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से मोड की वीडियो चाहिए या फिर किसी और गेम प्ले पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और गाइज मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में